है दिव्य आत्माएं, मैं आपको बार बार समझाता हूं, हमें आप बताएंगे? भगवान शंकर को ध्यान करते हुए देखे हैं? बोले कहीं नहीं देखे, फोटो में कहीं भगवान शंकर को ध्यान करते नहीं देखे हैं? अरे विधाता, अभी चले जाइए, अभी चले जाइए, जो विश्वामित्र जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवान शिव के मंदिर का, जाकर देखिए ध्यान मुद्रा में। नहीं देखेंगे तो देखेंगे, देखे हैं देख गए, सब देख गए। ब्रह्मा को ध्यान करते देखे हैं? बोलिए, ब्रह्मा को ध्यान करते देखे हैं? ब्रह्मा को ध्यान करते नहीं देखे हैं? स्वरूप साधा प्रथम वेद ब्रह्मा को वेद बने वेद के अधिकार। अरे भाई उस दे उस तप उस गद्दी को पाने के लिए तपस्या की जरूरत है, बिना तपस्या के कोई होगा? फिर तपस्या नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे? और देखेंगे तो बहुत जगह फोटो ऐसे होंगे जिसमें भगवान और ब्रह्मा ध्यान करते होंगे। मिलता है पुराणों में, वर्णन मिलता है। और भगवान शंकर को देखे हैं? और यदि गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे तो प्रथम में गीता में भगवान कृष्ण का जो उपदेश है अर्जुन का और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद का जो पुस्तक है, पुस्तक क्या है वह पांचवा वेद है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में लक्ष्मी मैया पूछी है कि नाथ क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान करते हैं? कभी आप सोचने का कोशिश किए हैं कि किसका ध्यान किए? कुछ नहीं किए। किसका ध्यान किए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। और मैं बताऊं एक चीज आपको, जब तक अनुभव में नहीं आ जाता है सारी चीजें झूठी है। हम पेठा खा करके बताऊं आपको ऐसा है तो कभी एहसास हो सकता? जब विदेश की धरती से लौटे तो फिर कई बार गए हैं, आज भी उनके संस्था के लोग जाते हैं अमेरिका में। जब गए तो एक द्वेष करने वाला था, दाह करने वाला था, वो स्वामी विवेकानंद से कहा कि मुझे तर्क दो, तर्क से समझाओ कि भगवान है। विवेकानंद वो बोले नहीं, हमको सामने दिखाओ, यदि फूल है तो दिखाओ फूल है, माइक है तो माइक दिखाओ, घड़ी है ऐसे दिखाओ, तब न माने। समझाते समझाते विवेकानंद थक गए तो बोले, तेरे दोस्त का एक के उपाय जूता चप्पल। वो बोला क्या बोला, समझा नहीं? समझा नहीं, कहे अभी समझाता हूं। वो अभी उठकर खड़े हो गए और उसके बांह को पकड़े, किसके बांह को? उत्तर टोला को, सही है। जब पकड़े बांह को और उसके बांह को मरोड़ करके, ब्रह्मचारी शरीर थी और एक मुष्टिका जब हमने खूब ताकत से खूब जोर से चिल्लाया, कहा ये तेरे भारत के ऋषि मुनि को क्या समझाने का तरीका है, ऐसे समझाया जाता है? ये हाथ छोड़ दिए, बोले मैं क्या किया हूं? कहा क्या किए हो, मारे हो? बोले कहा मारा हूं, कहा देखो यहां यहां। कहा कैसे पता? कहे दर्द हो रहा है। बोले दर्द हो रहा है यार, दर्द कैसे होगा, थोड़ा हमको दिखाओ ना कैसा दर्द है। कहा कैसे दिखाए? कहा जैसे हमसे कह रहा था कि भगवान को दिखाओ, दर्द दिखाओ, जैसे घड़ी दिखा दो, माइक दिखा दो, माला दिखा दो, वैसे दिखाओ दर्द को। कहा ऐसे नहीं, जब तुमको जब जाए ना पकड़ करके, और जो स्वामी विवेकानंद का हाथ पकड़ा और उनको मारना चाहा, बोला कि जब तुझको मारेंगे ना तब जानोगे
स्वामीकानंद उसके हाथ पीछे कर दिए और कहे अरे गधा, उसी तरह से जैसे दर्द को दिखाया नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी दर्द है ना, है। और किसको है, जिसको चोट लगी है वह महसूस कर रहा है। उसी तरह से ईश्वर की अनुभूति जब हो जाता है वही मानता है। दूसरा जाते पहले ना फटे दवाई, वो क्या जाने तीर कराई। ठीक है, देखिए आत्माएं बात है कि जब तक अनुभव में आपके नहीं होगा कोई लाख कहेगा समझाएगा उसका कोई मोल, जो भी गए था लगाने वापस नहीं आए। जैसे एक बोरा नमक या नमक का कोई पुतला बनाओ, समुद्र में डाल दो और 10 दिन के बाद खोजो, मिलेगा वापस नहीं आएगा। उसी तरह की लेकिन ध्यान लगाया वापस नहीं आया, उन्हीं का हो गया। जल विच कुंभ कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी फूटे कुंभ जल जल समाए, यह तत्व बोधे। असल कहने को बोल देते हैं कि तुम कौन हो, वो बोलता है मैं आत्मा हूं। ये क्या बात हुआ, ये लिखित पर जो है अपठित पठित नहीं है, ये तो रत्न विद्या हो गई। यही सुनता वह परम शक्ति सत्ता तर्क मन और बुद्धि से परे है, जिसने तर्क अच्छा देखो कितनी विडंबना है। संसार के लिए तर्क नहीं खोजेंगे, अंधाविश्वास कर लेंगे, और धर्म के लिए में तर्क खोजते हैं, खोजते हैं ना। अच्छा यदि ट्रेन पर जाना हो तो कोई नहीं बोलेगा कि ट्रेन ड्राइवर तुम कभी चलाए हो कि नहीं चलाए हो, कहीं आगे ले जाकर लड़ा नहीं देगा। ट्रेन का टिकट लेते हैं जाकर बैठ जाते हैं। कोई भी आज तक संसारी काम हो देखे, कोई भी आज तक पायलट से ये नहीं पूछा कि ये बताओ तुम नई जहाज पे नहीं जा रहे हो, हम बैठते जा रहे हैं, पूछा जाता है। आंख में उनका विश्वास कर लेता है, क्यों कर लेता है, सर लेता है। एक बनिया के यहां दुकान से सामान लेने जाता है वहां भी विश्वास कर लेता है, और जहां धर्म की बात आती है, धर्म गुरुओं की बात आती है, संतों की बात आती है, तो लोग क्या बोलते का पता, ये तो अंधविश्वास है, ये तो भ्रम है, ये तो पाखंड है। धर्म से ही सब बना है, धर्म से ही सब पड़ा है, धर्म से ही सब खड़ा है। धर्म का ये रूप ऐसा धर्म से संसार है, धर्म को ना माने तो जीते ही भव सागर संसार है। मझधार है भव सागर का, भव बिंद नहीं किनार है। अबिना सदगुरु बिना सचिन गोरे को किसी का नहीं उद्धार है। देखिए आत्माएं, ये मन शिथिलता जब तक नहीं पाएगा तब तक समझ में आएगा। आज तक मैं ही कह रहा हूं जो पुराना मन का मंदिर है उसको गिराना होगा, नहीं भय लगता रहेगा। उस बाबा जी के यहां जाएंगे तो उस बाबा जी का अच्छा लगेगा, फिर उस बाबा जी के यहां जाएंगे तो उस बाबा का अच्छा लगेगा। भटक मुआ दे दो बिना घूमते 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 चक्कर लगाते लगाते अंत दत्वाना इधर के होंगे ना, किसी और के नहीं होंगे। एक भी नहीं आपका सहारा मिलेगा दिव्यात्माएं, एक भी नहीं। और देखो ज्ञान का मार्ग अटकता है, ज्ञान का मार्ग अटकता है, भक्ति का मार्ग सबसे सहज। ज्ञान के मार्ग में चलने वाला अपने आप को ज्ञानी समझता है, सीढ़ी खोजता है, और भक्त कहता है मैं कुछ जानता नहीं हूं, तू ही आ जा, ऊपर वाला स्वयं नीचे आ जा। इस नवरात्र में प्रारंभ हुआ शंका से, क्योंकि शंका रखोगे तो कुछ मिलेगा